ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। चलिए चलते हैं। वाक्य सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वाक्यों से किसी भी भाषा को पहचाना जा सकता है। तो सर्वप्रथम आता है फर्स्ट कथन वाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें कोई सामान्य बात का वर्णन होता है। इस तरह के वाक्य को कथन वाचक वाक्य कहते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहे जा सकते हैं। आइए उदाहरण द्वारा समझें। हिमानी मेरी बहन है, तो कोई भी सिंपल सी बात है कि वो मेरी बहन है, तो हिमानी इज माय सिस्टर। रानी बाजार जा रही है, रानी इज गोइंग टू मार्केट। अब नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें किसी को या किसी से प्रश्न पूछा जाता है वह वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है और अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ जा रहा है। तुम स्कूल कब जाते हो, When do you go to school? तुम्हारा नाम क्या है, What is your name? और इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक का बहुत महत्व है बच्चों। ये आपको इस प्रकार का ये जो सिंबल है ये लगाना। नेक्स्ट आता है आज्ञा वाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें कहे वाक्य का अर्थ आज्ञा, प्रार्थना, ऑर्डर या आदेश को व्यक्त करना होता है वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, यहां से बाहर जाओ, यानी एक प्रकार का ऑर्डर हुआ, ठीक है, तो गेट आउट ऑफ हियर। ठीक, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, आज्ञावाचक वाक्य, तुम यहां से चले जाओ। नेक्स्ट फोर है विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डरना, लुकाना आदि तरह के वाक्यों को व्यक्त करते हैं, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। आइए इसके उदाहरण द्वारा समझो। वाह क्या सुंदर लड़की, वाह व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी एक प्रकार का आश्चर्य हमें हो रहा है, वाह नाइस, इस प्रकार से भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, क्या बकवास है, व्हाट रबिश, इस प्रकार और भी सेंटेंसेस होंगे। होमवर्क, रीड द वर्ड्स, शब्दों को आपको पहले पढ़ना है, आपको ग्रामर शुरू करने से पहले शब्दों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लर्न एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं बनेगा, सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल्सो एंड राइट द वर्क टुडे ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।